एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने छोले तो बहुत खाए होंगे, कभी पंजाबी छोले तो कभी सादे छोले, लेकिन क्या कभी आपने पालक के साथ छोलों को ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पालक और छोले की रेसिपी है, जो डिलीशियस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो पालक और छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम छोले लिए हैं, जिन्हें मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। और इनको भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अच्छे से वॉश करने के बाद में इन्हें या तो ओवरनाइट आप भिगोइए या 4 से 5 घंटे के लिए तो कम से कम भिगोइए, ताकि इनकी जो स्किन है वो छोलों से अलग हो जाए। अब यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ, जैसे कि 3 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची और 3 दालचीनी के छोटे छोटे पीसेज हैं और 4 से 5 लौंग हैं। इनसे इन छोले का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो इनको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अब यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया है, उसको रख दिया है गैस पर। अब इसमें हम छोले जो हमने भिगोए थे उनको बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैं छोले डाल रही हूँ इस कुकर में। और अब इन छोलों के अंदर हम डालेंगे ये खड़े मसाले जो हमने लिए थे, इन सबको इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो मैं 1 टीस्पून यहाँ पर नमक डाल रही हूँ इसमें, और 1/4 टीस्पून के अराउंड इसमें डाल देंगे मीठा सोडा, जिससे कि ये ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे। और अगर आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो पानी हमें इतना ही डालना है कि छोले अच्छे से इसमें डूब जाएं, इतना ही लेवल हमें पानी का रखना है, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और अब इसको हम रख देंगे ढक्कन ढककर, और लिड लगाकर जब हम इसको रखेंगे तो इसमें मीडियम फ्लेम पर हम इसमें सीटी लगाएंगे 4 से 5, क्योंकि मैं यहाँ छोटे वाले छोले इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 4 से 5 सीटी लगानी है। और अगर आप बड़े छोले इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 से 6 सीटी लगाएंगे। और जब सीटी आ जाएंगी इसमें तो गैस को ऑफ कर देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा कुकर तो इसे खोल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि छोले हमारे कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, इनकी स्किन भी अलग हो गई है और कितने ज़्यादा सॉफ्ट ये हो गए हैं। बस इतने ही छोले हमें रखने हैं। तो अब हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं पालक, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये 1/2 किलो पालक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इनको अच्छे से वॉश करने के बाद में हमें इन्हें कट नहीं करना है, ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ ही साथ मैं 50 ग्राम के करीब हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस पालक को हम ब्लांच करेंगे। तो यहाँ मैंने पानी एक भगोने में ले लिया है और उसको बॉयल करेंगे, और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो ये पालक और हरे धनिए को हम डाल देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है, और अब हम इसमें पालक और हरा धनिया डाल देंगे और लगभग 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। और 2 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे पालक को, ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें इसको। और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 टमाटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इनको हम चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल प्याज को हमें बारीक चॉप करना है, और इसी तरह से टमाटर को भी चॉप करना है। और अब ये जो पालक था हमारा वो पक चुका है, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि इसका ऐसे ही हरा रंग रहे और ये बिल्कुल फ्रेश ऐसे ही रहे, तो इसको आप निकालते ही ठंडे पानी में डाल दीजिएगा, और ठंडे पानी से फिर बाहर निकाल लीजिएगा, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और पालक का कलर भी हरा बना रहेगा। तो ये देखिए, मैंने इसे ठंडे पानी से बाहर निकाल लिया है, और अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक ग्राइंडर जार, तो इसके अंदर डालकर इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इसका एक फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है, और अब इसको आप एक साइड में रख देंगे। और गैस पर मैंने रख दी है एक कढ़ाई। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे। तो मैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे छोले और पालक का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं देसी घी नहीं इस्तेमाल करना, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो और इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ 3 टेबलस्पून के अराउंड मैंने देसी घी डाल दिया है, और अब इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो
अब ये ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हाफ टी स्पून में जीरा डाल रही हूँ और इसको भी हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। और इसी के साथ में यहाँ डाल रही हूँ 1/4 टी स्पून हींग पाउडर, इससे जो छोलों का बादीपन होता है वो दूर हो जाता है, तो इसको तो आप ज़रूर डालिएगा। और अब इसको आधा मिनट के लिए भून लेंगे इसी तरह से। और अब इसमें जो बारीक हमने प्याज चॉप की थी उसको डाल देंगे, और इस प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर कैरमलाइज करना है, हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 2 टीस्पून के अराउंड मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसको भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इनके कच्चेपन की जो स्मेल है वो निकल जाए, और जो हमने टमाटर को चॉप किया था वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम कुछ मसाले तैयार करते हैं छोले के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टीस्पून छोले मसाला, इसको आप ज़रूर डालिएगा, कोई भी छोले मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ अनारदाना पाउडर, क्योंकि अनारदाना पाउडर से छोलों का जो जायका है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो 2 टीस्पून मैंने अनारदाना पाउडर इसमें डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। अब इस मसालों को हम थोड़े से पानी से अच्छे से इनका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। और ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम ये जो मसाले हमने तैयार किए थे इनको डाल देंगे और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। तो पानी डालने से ये होता है कि ये मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से भून जाते हैं। तो ये देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से भून गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो मेन इंग्रेडिएंट है छोलों का वो डाल रही हूँ दही। तो यहाँ मैंने 1/2 कप दही लिया है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि पालक में जो कसेलापन होता है, कड़वापन होता है, दही डालने से वो दूर हो जाता है। तो दही का इस्तेमाल अब ज़रूर कीजिएगा इन छोलों में, इससे जो पालक का कसेलापन कड़वापन है वो दूर हो जाएगा और जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर मैंने छोले और छोलों का जो पानी है वो अलग कर लिया है ताकि जितना हमें पानी की ज़रूरत पड़े उतना हम पानी ऐड कर सकें। और ये पालक को जो हमने ग्राइंड किया था उसका पेस्ट भी डाल देंगे और ये छोलों का जो पानी था वो भी डाल देंगे इसमें, और इसको इतना भूनना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी गाढ़ी हो जाए। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये छोले जो हमने बॉयल किए थे उनको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में लो फ्लेम पर रख देंगे लिड लगाकर तकरीबन 2 मिनट के लिए। ये लीजिए छोले तो हमारे रेडी हो चुके हैं, लेकिन अब हम इसमें और ज़्यादा इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टीस्पून देसी घी और कुछ जिंजर के जूलियंस और ग्रीन चिली, इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और छोलों में डाल देंगे। तो अब इस तड़के को हमने इन छोलों में डाल दिया है, इससे इनका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और अब इसको लिड लगाकर रख देंगे ताकि सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब ऊपर से डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, इसको ज़रूर डालें। और लीजिए हमारे गर्मा गर्म छोले तैयार हैं, अब इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको हमारे छोले हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।